There are different types of quadrilateral, like square, rectangle, parallelogram, and rhombus. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर. ये है स्क्वायर. स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. अगर हम स्क्वायर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डायगोनल. सो देयर आर टू डायगोनल्स, लाइक डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2. दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है और वो इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. अगर हमें स्क्वायर के साइड गिवन है और क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. और अगर डायगोनल गिवन है तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर. एंड लास्ट पेरीमीटर हमें फाइंड करने के लिए बोला है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा 4 इंटू साइड. So let's see a small example. If we have a given a square of side 1 centimeter and we have to find area and perimeter. So area ka formula hamare paas hai, that is area is equal to side square. Side hamare paas hai 1 centimeter, to area hame milega 1 centimeter square. Similarly perimeter ka formula hamare paas hai, that is 4 into side. Side hame pata hai 1 centimeter hai, to perimeter equals to ho jayega 4 into 1, that is 4 centimeter.